में बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कम समय में लोकप्रिय होने वाला टिकटॉक ऐप पर अब लगा दी गई है बैन। आजकल की पीढ़ियों के दिल में छाने वाला टिकटॉक ऐप डिलीट करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार दे ही दिया है, जिसके चलते काफी कम समय से ज्यादा मात्रा में चलने वाला टिकटॉक ऐप प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया गया है। मद्रास हाई कोर्ट इस ऐप पर लगाए गए पाबंदी पर रोक लगाने के लिए मना किया दिया था। टिकटॉक ने सोशल मीडिया पर बड़ी धूम मचा चुकी थी। भारत में कई जगह इस ऐप के माध्यम से अश्लील वीडियो अपलोड किए जा रहे थे, जिसके बाद तुरंत इस ऐप पर मद्रास हाई कोर्ट ने खुद याचिका दर्ज की थी, जहाँ इस ऐप पर पाबंदी लगा दी, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी हटाने के लिए अपील की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पाबंदी हटाने के लिए मना कर दिया। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होने वाली है। ऐसा सामने आया है पबजी गेम के साथ साथ टिकटॉक ऐप ने भी हिंदू युवाओं को अपने चपेट में ले लिया है। पिछले 3 महीने में प्ले स्टोर से सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला टिकटॉक ऐप विश्व में 3रे नंबर पर है। मार्च महीने में टिकटॉक ने 19 करोड़ नए यूजर्स जोड़े हैं, उसमें से 9 करोड़ यूजर्स भारत से हैं। अब युवा वर्ग इससे मिलते जुलते ऐप की खोज में लगे हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।